वैसे मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। हाँ, अरे हर बात से सहमत हो? नहीं नहीं नहीं, हर बात से नहीं। हमारी हर बात तुम्हें प्रिय लगेगी? नहीं नहीं नहीं, हर बात से नहीं। अभी तुम ये कहोगे कि अपकार हो रहा है और ये कहोगे कि दानवता अच्छी है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो अच्छे बोलते हैं। आप अपनी समझ में अच्छा बोलते रहे, पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ यज्ञ हो रहा हो और भगवान शंकर का अपमान हो वो यज्ञ सफल नहीं होता है, ये मैं मानता हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जिस यज्ञ की ओर आप इशारा कर रहे हैं, जरा श्रीमान जी सोचे कि वहां पूर्व नियोजित ये कार्य था कि जिस यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया जाना है, राजा दक्ष का यज्ञ। हाँ, राजा दक्ष का यज्ञ। श्री रावण जी जब आप समझ गए कि मैं जिस यज्ञ की ओर इशारा कर रहा हूँ उसी यज्ञ की चर्चा मेरे द्वारा होने लगी है, तब आपने बता दिया कि राजा दक्ष का यज्ञ। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन जरा विचार करिए कि वहां पर जो ऋषि देव मौजूद थे और वो यज्ञ का कार्य चल रहा था, तो उसमें से भी दो ऋषि, दधीच ऋषि और चरण ऋषि, उन्होंने वहां कहा कि इस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है, ये यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। जब उनकी बात वहां नहीं मानी गई तो उन्होंने उस यज्ञ को छोड़ दिया था, वो चले आए थे। पर यहां पर भी देवता और ऋषि एकत्र हैं, पर किसी ने भी इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई अपने। दूसरी बात, वहां पर यज्ञ असफल क्यों हुआ कि भगवान शंकर की बात माता सती ने नहीं मानी और माता सती उस यज्ञ में पहुंच गई, और जब उन्होंने देखा कि हमारे स्वामी का कोई स्थान नहीं है तो हवन कुंडी में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जब प्राणों की आहुति दे दी और ये समाचार भगवान शंकर को प्राप्त हुआ, तब भगवान शंकर क्रोधित हुए और उन्होंने भी वज्र को उत्पन्न करके वहां यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा। पर इस यज्ञ की तुलना आप उस यज्ञ से कर रहे हैं, इस यज्ञ में भगवान शंकर ने ही प्रेरणा राजा जनक को दी ये प्रण करने की, जैसा कि आपको विदित है। माता पार्वती के द्वारा पुत्री सीता को भी आशीर्वाद मिल चुका है, सुन श्री सत्य शीष हमारी पूजा है मन का मना तुम्हारी, तो इसमें भगवान शंकर का भी आशीर्वाद है, माता पार्वती का भी आशीर्वाद है, तो यही एक विध्वंस नहीं होगा। और अगर उस यज्ञ की आप बात कर रहे हैं तो क्या भगवान शंकर ने भेजा है आपको यहाँ इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, जो आप धनुष का असर नहीं होने दे रहे हैं? जब सारा खेल भगवान शंकर का है तो और भगवान शंकर के हम पुजारी हैं। अच्छा, तुम बिना भगवान शंकर की कृपा से आए हो मिथिला में? हाँ है, हम भगवान शंकर के हम भी शिष्य, हम भी पुजारी हैं। तो उन्हीं की कृपा से आए हो? उन्हीं की कृपा से आए आए हो, तो भगवान शंकर कहीं ना कहीं समाहित है, है? उनका सहयोग सबके साथ है, तो उपस्थिति है उनकी, जिसकी भगवान शंकर। अरे हृदय से मानो तो हर जगह है, तो फिर ये यज्ञ सफल होगा? यज्ञ सफल नहीं होगा भाई, हम इसके विरोधी है। यहाँ पर अपमान हो रहा है, यहाँ पर ये उदान नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है अपमान। वो जहाँ पर हो अपमान वहाँ पर रावण का है विरोध। तुम कर रहे हो सहयोग, उस सहयोग यहाँ तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि सहयोग सत्य का साध्य का तो होता है, सह माने साथ, योग माने जोड़, जो एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। सह माने साथ, योग माने जोड़, जो एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। लेकिन यहाँ है जोड़ के पहले तोड़, पहले तोड़ बाद में जोड़, तब होगा बेजोड़। जब ये टूटेगा तो किसी से जोड़ेगा और किसी को जोड़ेगा, तो यहाँ पर क्रम उल्टा हो रहा है। भगवान शंकर का जहाँ स्थान नहीं, अपमान हो, भगवान शंकर की बात ना मानी जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या बात मानी जा रही है भगवान शंकर की? जिस समय ये धनुष दिया गया उस समय क्या कहा गया?
सुनसे दीनो धनुष पुल कही बात समझाए और पूजन या को नेम कर भगवत मिले, इसके पूजने से तुम्हें भगवत की प्राप्ति होगी। ये भगवान शंकर के वाक्य है आधार ग्रंथ से। सुन दीनो धनुष पुल कही बात समझाए, पूजन या को नेम कर भगवत मिले आए, इसकी पूजने से इसके पूजन से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। यदि ये कहा गया होता पूजन या को नेम कर शीघ्र देव तोलाए तब तो ठीक था खंडन, लेकिन ये वस्तु दी गई पूजा के लिए और स्वार्थ के वशीभूत होकर महाराज जनक इसका खंडन करवा रहे हैं तो ये शंकर भगवान का अपमान नहीं है, ये सम्मान नहीं है, ये अपमान। और जहां होगा अपमान वहां होगा विरोध राम का। हाँ ध्यान दें कि ये सहयोग और फिर इसके बाद सहयोग का शाब्दिक अर्थ होता है जो जो ये जोड़ना होकर के हो रहा है तो ये बात रखी आपने। तो श्री रावण जी पहले विवाह में तोड़ ही होता है, जंग जोड़ होता है, क्योंकि कन्या जब एक परिवार से तोड़ती है नाता और दूसरे परिवार से वो जुड़ जाती है तो पहले तोड़ होता है इसके बाद ही जोड़ होता है। ये भी गलत है। आपके अनुसार मेरी बात सब गलत है? नहीं, मेरे अनुसार आपकी बात सब गलत है, ये तो होता ही रहेगा। और जो आपने कहा तो ये माध्यम है और ये मणिकोण माध्यम बना करके पहले ही मैं कह चुका हूं कि दिव्य कन्या है तो दिव्य के लिए दिव्य के माध्यम से दिव्य की खोज चल रही है। और ऐसा राजा जनक ने भी आपको बताया कि भगवान शंकर ने मुझे प्रेरणा दी। आप इस पर ये कह सकते हैं कि दिव्य का माध्यम अगर लिया जाता तो दिव्य को उठवा लेते और वर और कन्या का विवाह कर देते। तो इसके लिए जो तोड़वाने की बात आप बार बार कह रहे हैं तो तोड़वाने के लिए राजा जनक की जो प्रतिज्ञा हुई उसमें ये व्यवस्था कि जब पुत्री ने अपने बाएं हाथ से एक हाथ से धनुष को उठा दिया तो पुत्री से बल अधिक बलवान होना चाहिए, वीर होना चाहिए। तो अगर इसके उठाने की प्रतिज्ञा लगाई जाती तो कोई अगर एक हाथ से उठा देता इसे तो वर और वधु में वीरता की कोई तौल नहीं होती, और अगर दो हाथ से उठा दिया कोई तो फिर कन्या अधिक। और इसमें है दो विशेषताएं, इस धनुष में है दो विशेषताएं। एक विशेषता की पूर्ति कन्या कर चुकी है, गर्व कठोर विदित सको, ये गर्व भी है और कठोर भी है। तो गर्व माने वजन को तोड़ना है, वो कन्या कर चुकी। दूसरे नंबर पे कठोर, तो जब इन्हें तोड़ा जाएगा तभी तो आगे होगा पर कि वो जो है कन्या से अधिक बलवान है। श्री बालासुर जी आपने बताया है कि जोड़ के पहले है तोड़, हमने बताया है कि पहले तोड़ बाद में जोड़ तब होगा बेजोड़, लेकिन आपने बताया है कि पहले है तोड़ इसलिए नहीं है पहले। जब कोई रिश्ता तय होता है तो बेटी के घर छोड़ने से पहले दो रिश्ते जुड़ जाते हैं, पहले माने जब संबंध होता है तो माने रिश्ता जुड़ गया। अब बेटी तो बाद में रिश्ता बाद में तोड़ेगी, फिर जब तक विवाह नहीं होगा क्या विवाह के बाद रिश्ता जुड़ता है? पहले संबंध तय हो गया माने रिश्ता जुड़ गया तो पहले है तोड़, और जब होगी पिला तब होगा तोड़ घर से बेटी का। जब बेटी पहुंच जाएगी ससुराल फिर चाहे जो कुछ क्रिया आगे हो लेकिन पहले होगा, पहले होगा तो ससुराल पहुंचने के पहले तोड़ नहीं होगा, ससुराल पहले पहुंचने से पहले तोड़ नहीं होगा। अगर सामान जोड़ता है तो जोड़ हो गया पहले, भाई रिश्ता जुड़ा बेटी का
रिश्ता तय हो गया माने पुरा, पर और पशु का संबंध तय होगा तो रिश्ता चल गया, ये हो गया चोर। तो हमने कहा नहीं अभी पहले चोर, लेकिन यहाँ उल्टा है कि यहाँ है पहले चोर। नहीं अभी आपने ये कहा कि जब बेटी ससुराल पहुंच जाएगी तब चोर, आपने अभी ये क्या ससुराल पहुंचने के पहले चोर नहीं होता यहाँ। कहा यहाँ पुत्री के यहाँ आया का शादी संपन्न किया, हमने ये कहा है कि पहले चोर बाद में चोर। भाई जब ये टूटेगा तो किसी से जुड़ेगा और किसी को जोड़ेगा, तो यही तो लेके आ रहा हूँ पहले तोड़ इसके बाद जोड़ ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तुम ये कह रहा हो पहले रिश्ता, पहले बेटी घर छोड़ती है तो रिश्ता टूट गया, तोड़ हो गया, और तोड़ होना नहीं है वो तोड़ना है, योग है जोड़ का। नहीं तो फिर ये सहयोग शब्द की व्याख्या गलत हो जाएगी। सह माने साथ, योग माने जोड़, जो एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। हमने कहा यहाँ चोर तो रहे नहीं है पहले, कब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये टूटेंगे नहीं, वो जब ये टूटेंगे तब तो जुड़ेंगे। तो पहले है तोड़ वो बाद में है जोड़, तो सहयोग चला गया पीछे, सहयोग चला गया पीछे, ये हो गया आगे। इसलिए कान खोल कर सुनो बाला सुजी, तुम यज्ञ की बात कर रहे हो, अब रावण मिथिला समाज के अंतर्गत तो हलकार रहा, मैं विश्व विजय करने वाला, जो सत्ता मेरा भार नहीं जो मेरे पथ को रोक सके, ऐसा कोई मैया था लाल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया फिर सत्ता मुझसे काल नहीं, मैं ऐसा भी धनधारी हूँ पर सत्ता मुझ पर जाल नहीं। तुम फिर कर देखो बाला सोर, कर सकते मेरा बाका बाल। श्री राम जी समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आएगी नहीं और अपनी वीरता का बखाना करते रहेंगे। हम हैं लड़ते लाल सज्जन के, और कीजिए नेटवर्क चले जाओ समझाओ मैं, और कीजिए मुकुट बांध है क्या मैं चंद हाथ लीजिए तुम्हारी जान से नेटवर्क में डरा हूं मैं। अगर मैं फिर इसकी गाथा पाऊं तो तोड़ मरोड़ मैं थूक मिलूंगा, और याति न करूं चंद्र वर्ग की सबक बोले अस्त्र शस्त्र छोड़ू भाई पुत्र ना कहा हूं मैं। अरे ज्ञान कुंभ का जला लो दीपक, नहीं मरे भी यहाँ दिवाली, और विध्वंस करूंगा आज स्वयंवर, नर्तन करे यहाँ पे काली। योगी के हो बड़े हितैषी, लेकिन कर्तव्य हो भूले, और थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो फूले फूले। कर्तव्य न भूले बार आज अपनी इस नादानी में, और हे मुच्छो की लाज अगर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अच्छा आपने स्थान भी बता दिया कि कहाँ मारना है, हम नहीं बता रहे, तालियां बजाकर मिथिला के विद्वान बता रहे हैं। तू बात दुबार पढ़ाता है पर जल कहने हो जाने को, और लड़ाई क्यों हो रहे संख्या संग्राम बचाने को, प्रत्येक बार के बार या दस कर तू चहलाएगा और कंटिन कर दूंगा कसौटी हार हार फिर लाएगा। इसलिए संग्राम न कर होगा राजा, और यदि मरना है तो घर जाकर भाभी की गोदी में। क्या बात है, सुनिए सिंपल, इतनी छाती में बाल नहीं तेरे जो झेलो पर कपाली का, वो बाला सुर मर जाएगा मिथिला में तो क्या होगा तेरी घरवाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो सुधर सूचना पहुंचा दो, ये स्वर्ग पर से शेर बना लो, ये आस ये सर तुम सभी सुधर लो, रहना जाए हैरानी रोगे की बात तुम्हारी रानी। फिर करकेश्वर देखो लंकेश्वर हमारी को खोलो पक्ष करता प्रहार, अब देखो जब जोर जवानी सारी चतुर्ग नीचे मुझे से उन्हें भी अदाल तेरा हाथ से उन्हें जीवा, और रानियां मरेगी तेरे स्वर्ग माई छाती पीठ, तो सिगरी कर लोग सिंधु में बहाऊंगा, यकीन करूं चंद्रमोल की सफल हो और आज से सब चुनो बड़ी पुत्र ना कहूंगा, पुत्र ना कहूंगा। बोली एक अमोल है, बोल सके तो बोल, वो अभी पता चल जाएगा कि ढोल के अंदर रखे हैं। हाँ आज पता चल जाएगा रावण के कलवे पानी का, वो
लावट मार पड़ेगी तो भर याद आवेगा नानी का। मेरे संघर्ष जीवन में जो मुझसे फिरने आता उसको प्रणाम देती मानस नहीं लव समझ से जाता। दीदी मेरे संग पाए नहीं मैं लड़ना छोड़ा है। जो रास्ते से हुआ पथक मैंने उसको मोड़ा है। तो अपनी सारी सेना लेकर अगर कौशल दिखा डालो फिर भी मुझको मार न पाओ धिकार तेरी चवाली का आज पता चल जाएगा। रावण के कल पानी यही अगर तुम्हें पता चला रहा है तो श्री रावण जी यहाँ पर पुत्री का स्वयंवर हो रहा है इस रणभूमि को रणभूमि न बनाओ। तो मेरी इच्छा है कि यदि युद्ध की ही रास्ता है तुझे यदि युद्ध करना है तो मिथिला से निकल बाहर। मैं तेरा फूल पी जाऊं भूखा केहरी बनकर फटक ब्राह्मण समझ करके अब तक मैंने बताया है और दीवाना हो गया बिल्कुल ये नहीं सर्कल आया है। पड़ेंगे मेघ छाए छिपेंगे जीव लाए जमी से आसमान लेकर फिरेंगे भूत दर्शा से। आता क्रोध है जबरन आता क्रोध है जबरन खैर मैं किंतु जाता हूँ रहीम दिल हो नगर जाऊं यही सबसे मनाता हूँ। पुत्री का स्वयंवर है मंगल मैं अमंगल हूँ पुत्री का स्वयंवर है। अरे चस्कंट सुन तो मैं न बुद्धि है न पावर है सारी बुद्धि सब भगवान शंकर ने तुमको दी है। ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाई हो और ज्ञानी को मूर्ख मिले तो सीख लड़ाई। विद्वान श्रोता बैठे है देखो समाने की बात बोलते हैं ऐसी बोलो बात ये लोग समझ जाए कुछ इनको भी मिल जाए। जैसे आप यही समझ रहे हो कि आपकी बात पर तालियां बजाई है भगवान को दीवान है कहो हम तुमको पूरा बता दे परेशान ना हो परेशान ना हो ये मिथिला है। तुम तालियां बजने के लिए कह रहे हो यहाँ बाजे भी बजेंगे तालियां भी बजेंगी तुम भी बजोगे जो यहाँ आएगा वो बजेगा तुम भी बजोगे हमें तो बजा रहे हैं हमारी बात पर बज रही है तो हम ही तो बजवा रहे हैं हम ही बजा रहे हैं। तो बजाने वाले तो है रावण। अच्छा बजाने वाले तो है यार बाजे बजाने नकारे बजाने आए हैं मुझे क्या मालूम आप ये भी धंधा करने हैं। नहीं ये धंधा नहीं है जब तुम कह रहे हो बेटी का विवाह होना है सुनिश्चित है और जहाँ बेटी का विवाह होता है क्या वहाँ बाजे नहीं नहीं अभी आपने कहा हम तो बजाने ही आए हैं। हाँ बजाओ बजाओ बाजा बजाने नहीं हम तुमको बजा देंगे वो तो हम बताएंगे। भाई तुम अपनी बात क्यों छुपा लेते हो हमने ये कहा कहो तो हम तुमको बजा दें तो तुमने कहा बाजा बजाने आए हो तुम ये भी धंधा करते हो। ये धंधा नहीं है तुम लोग हो धंधे वाले और हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना बना लेते हैं। तो परेशान ना हो बाणासु जी मेरे रहते इस अजगर का अपमान नहीं कर सकते हो मिथिला समाज के अंदर अरमान नहीं भर सकते हो। अरमान छोड़ दो बाणासु पर ये रणचंडी चेतेगी अरे मिथिला मध महोत्सव में ये सारी जनता देखेगी। वो कभी नहीं भय खाता है जो स्वच्छंद चलने वाला है। मेरा तो आतंक निराला है नैनों में जलती ज्वाला है प्रथम बुद्धि को करो संतुलित यदि बनते हो धर्मान अन्यथा कलख छाती में तो करने गहलो धनुष पार फिर क्या सोच माया मांगो देखो किसकी ठकरौती है और मान बता लो बड़ा सोल तुमको खुली चिरस्ती है। तुमको भी बताएंगे अरे काल बजावा का हाथू बने हमारा उतार और काल करार बने वो तेरा राजा भाई को लाल और राजा भाई को लाल काल बनकर लहराए न हो और राज रूपी एक खाट संतो को लहराए न हो जाकर जगह कोई जब के घर जाए न हो और ऐसे समय क्या कह रहा हूं दस गंदा आए न हो परेशान न हो जैसा संकेत हो रहा हो वैसा कार्य करो। समय समाज और साहित्य समय को देखकर समाज की ओर दृष्टि डालकर जो साहित्य प्रस्तुति करे वही विद्वान बड़ो लक्ष्य की ओर सामने भगवान शंकर का जो स्थापित है बलिवीर का पर वीरता प्रमाण कर। हेलो हाँ ध्यान दें समय की परीक्षा आपने ध्यान कर लिया। हाँ सोचा होगा कि शायद ये रंगभूमि स्वर्ग भूमि न बन जाए और कोई अनुचित घटना न घट जाए। चलो आज जो बुद्धि मैं करता हूँ वैसे मैं मानता हूँ कि आप मानेंगे किसी की नहीं और
कार्य तो यहाँ जो हो रहा है वो होगा। ये मैं यहाँ घोषणा करके जा रहा हूँ कि धनुष का खंडन होगा 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 और ये स्वयंवर पूर्ण होगा, ये यज्ञ अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने गुरु भूतनाथ के है पावन अनुभव, आज मैं आपके दर्शन करने भी यहाँ आया था। अरियो हमें भूल मत जाना, अरियो हमें भूल मत जाना। हे अरियो मैं आपको आपका मेरा ये अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। मैं यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर 2500 नेपालो योगी देव सभी से एक बार शंकर भगवान की जय, महाकाल जय, भगवान शंकर की वाला सुनी, जय जय शंकर की श्री रावण जी जय हो। चला गया प्रज्वल, मैं सोच रहा था महाराज जनक का व्यवस्थापक है, अंतिम समय तक यहाँ रहेगा, लेकिन रंगशाला को छोड़ दिया, जो कार्यभार इन्हें दिया गया था सारी व्यवस्था चाहे मिट्टी में मिल जाए इन्हें कोई परेशानी नहीं। ऐसे व्यवस्थापक है महाराज जनक के, जो कार्य पूर्ण होने से पहले ही प्लान कर गए, मिथिला छोड़कर चले गए। चलो जिस उद्देश्य को लेकर के रावण यहाँ मिथिला आया था, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति करना नितांत आवश्यक है। समाचार जब प्राप्त हुआ था, तालुका मारी गई, सुबाहु जला दिया गया, मारीच को सागर के पार फेंक दिया गया, रन मन मत फिर जल धावा, उप्रतिभट भोजत कतु न पगा। मैं बहुत देर से भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन उसको अभी तक देखा नहीं है। प्रतिभट